हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के दो दो अक्षर वाले और तीन तीन अक्षर वाले शब्दों को मिला मिलाकर पढ़ना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी इस तरह के जो शब्द हैं इनको पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में तीन तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला शब्द क्या है? काला, कल। दूसरा है देखिए का सा, कस। ठीक है, इसके बाद में देखिए का म, कम। इसके बाद में अगला है का हा, कह। का हा कह, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहां पर है का ट, कट। अगला है का जा, कज। का जा क्या हो गया? कज हो गया। ठीक है, अगला देखिए का टा, कट। का टा कट, ठीक है। का छा, कच्छ। ठीक है, क्या हो गया? का छा कक्ष। अगला है देखिए का दा, कद। का और दा क्या हो जाएगा? कद। इसके बाद में देखिए का उन्ना, कन। ठीक, इसके बाद में देखिए का पा, क्या होगा? कप हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये क्या है? का है फा। ठीक है, तो का और फा क्या हो गया? कफ हो गया। ठीक है, अगला देखिए का रा, क्या हो गया? कर। का और रा कर। इसके बाद में देखिए का वा, कब। अगला है का चा, कच। इसके बाद में का रा, कड़। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए खा गा, खग। क्या हो गया? खा गा खग। अगला है खा टा, खट। क्या हो गया? खा टा खट। अगला है खा ता, खत। ठीक है, इसके बाद में देखिए खा और का, खक। अगला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है खा ला, खल। ठीक है, अगला है खा ना, खन। चलिए अगला देखते हैं खा पा, खप। अगला है खा ला खल। चलिए आगे देखते हैं, हमारा देखिए क्या है? खा जा, खज। खा सा, खस। खा रा, खर। खा का, खक। ठीक है, अगला देखिए गा ना, गन। गा मा गम। गा जा गज। ठीक है, अगला है गा ए गए। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला है हमारा गा टा, गट। अगला है गा पा, गप। अगला है गा ला, गल। इसके बाद में है गा ई, गई। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे दो अक्षर वाले शब्द, इनको इस प्रकार से ही पढ़ा जाता है, इसमें कहीं पर भी कोई भी मात्रा नहीं है, इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला है, अब हम तीन तीन अक्षरों को पढ़ना सीखेंगे, तीन तीन अक्षरों को मिला मिलाकर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब उनको पढ़ते हैं। तो देखिए तीन अक्षर वाले बिना मात्रा वाले शब्द, इनमें भी कोई मात्रा नहीं है, अब हम तीन तीन अक्षर को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए, सबसे पहले पेन को ऑन कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर कामर क्या हो जाएगा? कमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से पढ़ते हैं। देखिए का मा रा, कमर। ठीक है, अगला देखिए का रा न, करण। अगला है का ला म, कलम। ठीक है, अगला है देखिए का हार, कहर। ठीक है, अगला है देखिए का ला म, कलम। ठीक है, फिर है का रा म, करम। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए का सा ल, कसल। ठीक, और आगे देखते हैं का जा न, कजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए का ता र, कतर। का सा म, कसम। का मा ल, कमल। का बार, कबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखिए का रण, करण। का पाल, कपल। इसके बाद में का टाल, कटल। ठीक है, फिर है का वर, कवर। और आगे देखिए खा पात, खपत। खा लाल, खलल। खा सर, खसर।
खटक, खटक, ठीक है। इसके बाद में देखिए खबर, खबर, खपत, खपत, ठीक है। इसके बाद में देखिए खगल, खगल, खजक, खजक, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, देखिए गा, गन, गगन, गा, गर, गगर। इसके बाद में देखिए गा, मन, गमन, गा, ला, न, गलन, ठीक है। और आगे देखिए गा, बर, गवर, गा, दर, गदर, ठीक है। इसके बाद में देखिए गा, या, ल, गयल, गा, लात, गलत, ठीक है। इसके बाद में देखिए गा, मन, गमन, गा, टर, गटर, गा, टक, गटक, गा, बन, गवन, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से हम सीख रहे हैं। चलिए और देखिए आगे, यहाँ पर गजन, गजन। इसके बाद में देखिए यहाँ पर गाड़क, गड़क, गलभ, गलभ, गहन, गहन। तो देखिए हमने सभी शब्दों को कितनी आसानी से पढ़ लिया है। आप भी इन शब्दों की और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।